मॉम को देखकर कोई नहीं कह सकता कि हमारी बच्ची, लेकिन मैडम जी एक बार आपसे पूछ लिया होता। सेंट मेरीज लखनऊ का नंबर वन स्कूल है, मैं वहाँ के प्रिंसिपल को जानती हूँ। वी रिस्पेक्ट योर सेंटीमेंट्स, बट ये इतना आसान नहीं है। साहब जी ये जो शब्द है ना, इतना आसान नहीं है, इससे हमारा पुराना नाता है। Welcome to Saint Mary School, my child. God bless you. Thank you, sir. मतलब उनका एडमिशन हो गया? हो गया। हमारे नए स्कूल का पहला दिन है, हमें एक तरफ से डर भी लग रहा है और एक तरफ से खुशी भी हो रही है, इसीलिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। कोई बात नहीं, गुनगुन मिट्टी हमारी गुनु। अरे वाह, हमारी गुड़िया सुबह सुबह नए कपड़े पहन के कहाँ को निकली? अरे नए स्कूल में एडमिशन कराए। सेंट मेरीज में, वो बड़ा स्कूल है ना जहाँ बड़े बड़े लोग के बच्चे आते हैं, वहीं पे अब गुनगुन मिट्टिया भी जाएगी। और ड्रेस तो देख करके लग रहा है कि स्कूल खासा महंगा होगा, फीस फीस का इंतजाम कहाँ से किए हो? अरे वही तो बात है, दो दिन पहले ना हमें एक बहुत बड़ी अवसर नहीं मिली, मीना मैडम उन्होंने हमको एक गजब की बात बताई। ये जितना बड़ा बड़ा स्कूल है ना, उन सब में दो से चार सीट जो है गरीब बच्चों के लिए रखा जाता है, उनको फ्री में पढ़ाने के लिए। बस हमारी गुनगुन बिटिया ने वहाँ का इंटरव्यू दिया और एडमिशन पक्की हो गई। कहाँ कर रही हो बिटिया? अरे ये तो हमारी गुनगुन बिटिया का दुकान है ना, जो मन करे ले लो। हम तो तुम्हारे पापा से कहते हैं कि इस स्कूल के बाद तुमको ही छोड़ जाए हमारे पास और दिन भर बेफिक्र होके अपना काम करे, है ना? ताकि तुम इन्हें बिगाड़ती रहो। चलो बिटिया, स्कूल का पहला दिन है, आज लेट नहीं होंगे। अच्छा चलते हैं। नमस्ते। हेलो गुनगुन बेटा, कैसे हो आप? नमस्ते आंटी। नमस्ते। चलिए आप
बेटा, ये आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ने वाली है। चलो देखो, हेलो करो। देखो बेटा, इसको स्कूल में कोई भी चीज की जरूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम, तो आपको हेल्प करनी, ठीक है? That's like a good boy. चलो जाके अंदर बैठो। आओ सुमित्रा, आइए। आपकी स्कूल का पहला दिन है, मन लगा के पढ़ाई करना, और कोनो भी तकलीफ आए तो सुमित बाबा को बताना। हाँ सुमित बाबा, आप इनका ख्याल रखना। करता था, और वहां पंखे के नीचे भी गर्मी लगती थी, पर यहाँ पंखे है ही नहीं, फिर भी ठंडा ठंडा लग रहा है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। टुडे we will study about seasons. Four seasons: summer, winter, autumn and spring. Summer is a warm season because the days are longer and the sun is high in the sky, giving direct light to the ground. तुम्हारे फर्जी ना आप दिखाई नहीं दे रहे। नहीं कहीं होंगे, बुलाएं क्या? हाँ वहाँ तुम अपना काम करो, किसी बादशाह को पीस पीस के गुलाम बना रहे होंगे। डॉक्टर संगा भैया, आपका खेल खत्म। वो क्या पत्ते थे क्या अजीत ने? सुनो बे, जब तुम्हें अपनी चड्डी में नाड़ा बांधना नहीं आता था ना, हम तब से लोगों का पैजामा टाइट कर रहे हैं। शंकर के साथ बाजी तब खत्म होती है जब शंकर चाहता है। ओ यार, ये बाजी भी हार गए। तुम्हारे हाथ पत्ते बोलते हैं ना? हाँ, गाड़ी हो या पत्ते, शंकर के हाथ में आते ही अपने आप सुधर जाते हैं। देख क्या रहे हो बे? पीसो, सुनो, वोकल टाइट है। भैया, हम तो कह रहे हैं गेम खत्म कर लो, नहीं बाद मुश्किल पड़ेगी। चिरकुट, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। अमा वाह वाह तो बोल दो। वाह 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 वाह।
अमा चेपा हुआ जुमला तो ठीक से बोल दो। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ए क्या हंस रहे हो? इका चोर खेलने जगह अबे यहां से मारेंगे लपट। आओ चलो, अबे यहां से चलो चलो। अरे काहे जा रहे हो भैया, दो ही चार बाजी और खेल लो। तुम कब आया यार, पता नहीं चला। कैसे पता चलेगा तुमको? हां तुम तो जुआ खेलने मसरूफ थे, दो ही तीन बाजी और खेल लेते, वो जो पैसा पड़ा है वो भी दबोच लेते। अरे वो तो हम बस कोतवाल रहे घाट पे और चोर हवालात। किसी दिन धरे गए ना तो हम नहीं आएंगे तुम्हें बचाने, समझे? अम्मा यार तुम भी यार। अच्छा ये बताओ कि गुनगुन बेटा कैसी है? सब कुछ बता दे तुम्हें, खुद देखने नहीं आ सकते? एक बात बताएं, गुनगुन बेटिया का एडमिशन कराए। अरे सेंट मैरिज में, अरे बहुत ही बढ़िया स्कूल है ये, बड़ा बड़ी बड़ी गाड़ी में लोग आते हैं, बड़े बड़े रईसों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। अरे तो हमारा हीरालाल ड्राइवर कौन सा किसी रईस से कम है। सुबह सुबह चढ़ा क्या होगा? अरे हमारा वो मतलब नहीं था यार। ये सब बात छोड़ो, हम सोच रहे थे हमारी गाड़ी थोड़ी बड़ी होती ना तो दो चार बच्चे और बिठा लेते। अभी बस वालों को देख, एक साथ 30-40 बच्चे लेके उड़ा लेते और फिर सारा दिन आराम करते। हमको समझ में नहीं आ रहा तीन तीन बच्चों को लेकर कितना चक्कर मारे। अरे वो अफजलवा बता रहा था कि तुम्हारा ऑटो बहुत खलखा रहा है, पूरे काम करो, कल आधा घंटे के लिए गराज पे छोड़ जाना। आधे घंटे के लिए? हाँ ठीक है छोड़ देंगे। ठीक है ना, सुनो आज रात को मंडी जमने वाली है, आओगी कब? अम्मा शंकर तुम्हें कितनी बार बोले सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। छोड़ देंगे यार, वैसे भी पैसा बचा के करना क्या? तुम कभी नहीं सुधरने वाले, कुत्ते की तुम हो तुम। अच्छा हम चल रहे हैं, हमारा पैसा भी दे देना, चूहे के पैसे से मत देना कुछ। और सुनो ऑटो छोड़ना मत भूलना। छोड़ देंगे। हाँ को कंप्लेन कर दूंगा। क्यों क्या हुआ? अभी तुझे भी एक फ्रेंड मिल गई क्या? हाँ देखो देखो इसकी फ्रेंड ऐसी है। रुको मैं अभी पी टीचर को लेकर आता हूँ। स्कूल छूटने में टाइम है तो क्लास प्लीज डू योर होमवर्क नीटली। ओके यस मैम। गुड। सुनो क्या तुम टीचर कहाँ कह रही है? टीचर ने कहा कि तुम सब लोग अपना होमवर्क अच्छे से करना। Thank you.
सुसेन बाबा। हेलो ओके। आओ बैठो, आज बैठो, आओ इस बैग बैग हमें दे दो। जिनसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उनका नाम घर के सामने लिखवा लेते हैं। तो क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? अरे ऐसा काहे बोल रही हो, आप तो आपसे बहुत प्यार करते हैं बिटिया। तो फिर हमारे घर का नाम क्यों नहीं है? आप बिटिया है ना, अपने घर का नाम हाँ। गुनगुन निवास।